वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ICAR 2020 के AIEEA का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है UG एंड PG कोर्सेज के, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, फिर एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक से यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि NTA के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अगर फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बता दिया है कि NTA ने ICAR के AIEEA यानी कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर एडमिशन्स के लिए एग्रीकल्चर के, वो 2020 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी गई है UG एंड PG कोर्सेज के लिए। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन से इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट icar.nta.nic.in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, तो वहां से जाके सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर होकर इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और भी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मार्च से रिलीज कर दिए गए हैं और 31 मार्च तक ये जो है वो ओपन रहेंगे। यानी कि 31 मार्च से पहले पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके लिए आवेदन जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ICAR के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर एडमिशन 2020 के UG कोर्सेज के लिए, जो OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर, जनरल और EWS कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ₹750, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ₹350 जो है वो ये फ़ीस रहने वाली है। और वहीं PG कोर्सेज की बात करें तो जनरल, OBC, NCL एंड EWS कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए ₹1100, और बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ₹550 ये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। बाकी अगर बात करें GRF और SRF की, AICE जो आपके कोर्स है उसके लिए, तो उसके लिए कैंडिडेट जनरल, OBC, NCL और EWS के लिए ₹1800, और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए ₹900 ये फीस जो है वो रहने वाली है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, उस लिंक पर क्लिक करना है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप इसके होम पेज में एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद आपको अप्लाई का लिंक दिखेगा, उस अप्लाई के लिंक पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू इंटरफेस दिखेगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन्स मांगी जाए उन इन्फॉर्मेशन्स को सबमिट करना है, जैसे नेम, फादर नेम, वो इन्फॉर्मेशन्स आप सभी को पता है, तो वो उन को सबमिट करके बाद गो बैक एंड की इन योर क्रेडेंशियल एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके आप सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे वहाँ से आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड बन जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करके यूज़र नेम पासवर्ड से अपनी जो आईडी है उसमें इंटर हो जाना है। इंटर होने के बाद आपसे कुछ नेसेसरी यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कंपलसरी जो इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद सारी डिटेल्स चेक कर लें कि सही है या नहीं। अगर आपकी सारी डिटेल्स चेक है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस रहने वाली है इसके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने को लेकर। ठीक है, आगे अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ICAR जो AIEEA UG एंड PG कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 मार्च 2020 से रिलीज कर दिए गए हैं। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी जो रखी गई है वो रखी गई 31 मार्च, एंड उसके बाद जो लास्ट डेट फी सबमिशन की रखी गई है वो भी 31 मार्च ही है, आपको एक्स्ट्रा दिन नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन करेक्शन आपके 25 अप्रैल टू 2 मई तक होंगे। ठीक है, ऑनलाइन जो करेक्शंस होते हैं वो 25 टू 2 मई तक आपके ऑनलाइन करेक्शंस करवाए जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके 8 मई को जारी कर दिया जाएगा, और इसके एग्ज़ाम डेट जो है वो 1 जून 2020 है, यानी कि जून में इसका एग्ज़ाम जो है वो NTA द्वारा कंडक्ट करवा लिया जाएगा, आंसर की 2nd week of June में, और रिजल्ट जो है वो आपको 15 जून का रिजल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा।
काउंसलिंग की डेट अगर बात की जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इसकी प्रोसेस को लेकर। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो आपकी मिनिमम एज 16 ईयर्स टू बी एलिजिबल, मैक्सिमम कोई भी इसकी एज लिमिट नहीं रखी गई है, बस मिनिमम आप 16 साल से पार होने चाहिए। नेशनलिटी की अगर बात करें तो आप इंडियन नेशन के होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही नेशन इसमें एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 एजुकेटेड होने चाहिए फ्रॉम CBSE और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंग्लिश मीडियम विद एटलीस्ट एनी 3 साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यानी कि आप 10+2 पास होने चाहिए विद इंग्लिश मीडियम, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा, और साथ ही साथ आपके साइंस में 3 सब्जेक्ट मिनिमम होने चाहिए, इनमें से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर PCB या फिर PCM, इनमें से कोई भी आपके 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 12th में अगर बात की जाए तो आपके 12th में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल OBC NCL की 50% और बाकी SC ST PC जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 40% रखे गए हैं। इतने अगर मिनिमम आपके मार्क्स हैं 12th में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी 2000 जो ICAR है उसके 2020 को लेकर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है उससे रिलेटेड वीडियोस हम आपको देते रहेंगे, पिछली कट ऑफ की वीडियोस या फिर कॉलेज रिव्यूज़ की वीडियोस भी आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नीट और अन्य जो NTA के एग्जाम्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।